इरविन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। महाराष्ट्र की बात की जाए तो अजीत पवार यहां पर अपने 18 विधायकों के साथ यहां पर उप मुख्यमंत्री की शपथ ले लेते हैं और उसके बाद महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो अब यहाँ पर बदला लेते हुए नजर आएंगे। अजीत पवार ने जो उन्हें धोखा दिया है इस धोखे का बदला लेंगे, लेकिन साथ साथ सिर्फ शरद पवार को धोखा नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर एकनाथ शिंदे को भी धोखा दिया जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं, ऐसे में विधायक उनके साथ हैं। और बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से माहौल देखा जा रहा है, इस माहौल में खुद जो अजीत पवार के साथ आ चुके हैं प्रफुल्ल पटेल, वो खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो पहले से ही ये तैयार थे कि उन्हें एनसीपी छोड़नी है और उन्हें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलना है। तो ऐसे में आपको बता दें कि अजीत पवार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, अभी साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और भी ज़्यादा मजबूती के साथ देखी जा रही है। लेकिन वहीं एकनाथ शिंदे की बात की जाए तो उनका अस्तित्व भी अभी कहीं ना कहीं कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे का स्टैंड क्लियर नहीं है। जब तक स्टैंड क्लियर नहीं होगा तब तक यहाँ पर अजीत पवार कोई और खेल भी खेल सकते हैं। अजीत पवार की बात की जाए तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ पर बहुत बड़ा खेल हो सकता है। प्रफुल्ल पटेल ने तो बता दिया कि 51 विधायकों के साथ वो पहले भी आना चाहते थे लेकिन शरद पवार नहीं मान रहे थे। अब ऐसे में अजीत पवार आ चुके हैं, अब ना जाने की बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कितने दिनों तक वो टिक पाएंगे या फिर यहाँ पर अजीत पवार टिकते हुए एकनाथ शिंदे को हटाते हुए नजर आएंगे, क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।